तो वीडियो की बेइज्जती कर देते हो यार। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और सुबह के बजे हैं 6:45 और मैं उठ जाती हूँ इस टाइम पे। 5:47 पे मेरा अलार्म लगा, मैं इस टाइम पे उठ जाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, सुबह बिल्कुल भी मूड नहीं होता है, शकल देख के अब डर जाएंगी, आँखें नहीं खुलती हैं क्योंकि रात में हम लेट से सोते हैं और रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी मन करता है। लेकिन फिर हम सुबह सबसे पहले मैं टीवी ऑन करती हूँ या फिर मैं कभी म्यूजिक मोबाइल में भी लगा देती हूँ, मैं भगवान के भजन लगा देती हूँ और सुबह सुबह भगवान के भजन सुन के थोड़ी सी एनर्जी आती है, थोड़ी सी पॉजिटिव दिन निकलता है क्योंकि मुझे भजन सुनना पसंद है। लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं अभी तुम्हारी उम्र भजन सुनने की नहीं, लेकिन मुझे अंदर सच में मुझे ट्रूली मैं बोलूँ तो मुझे भजन सुनती तो मुझे जैसे बहुत शांति फील होती है। इसके बाद जो भी सामान बिखरा होता है थोड़ा बहुत वो मैं उठा लेती हूँ और बाकी मैं रात में ही करके सोती हूँ। और टॉवल वगैरह जो होती है गीली गीली हो जाती है क्योंकि करते हैं, तो उसको मैं पंखे में डाल देती हूँ और फिर सुबह उठ के मैं उनको फिर तहा करके अपने बाथरूम में रख देती हूँ। और यहाँ पे फिर भगवान का मैं दर्शन करती हूँ, मंदिर की लाइट जला देती हूँ। सबसे पहले हम सुबह उठ के भगवान का ही नाम लेती क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं है। इसके बाद इधर उधर टहलती हूँ, कुछ बादाम वगैरह खाए और अपना गर्म पानी लिया, अपनी मेडिसिन ली एंड छोटे छोटे जो काम होते हैं उनको निपटाती हूँ। मेरा आधा घंटा अपने लिए ही निकल जाता है, जैसे कि एक्सरसाइज करना हो गया, गर्म पानी पीना हो गया, इसके साथ मैं सोख बादाम लेती हूँ गर्म पानी के साथ ही ले लेती हूँ। आजकल मैं ग्रीन टी नहीं ले रही, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एनर्जी को बूस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से मेरी एनर्जी अप हो जाए तो और मैं कुछ काम कर सकूँ। क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी मेरे हाथ नहीं चलते, हाथ पैर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सुबह बहुत मुझे आलस आता है, बट धीरे धीरे आदत आ जाएगा। फिर मैं आराम से इत्मीनान से बैठ के अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करती हूँ। कभी कभी मैं ग्रीन टी लेती हूँ, आजकल मैं ग्रीन टी नहीं ले रही क्योंकि मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था तो मैंने ग्रीन टी नहीं ली। सब्जी भी काट लेती हूँ साथ में। यह रामायण जो कि आपको दिख रही है, सुंदर कांड चलता रहता है, चला देती सुबह। अभी अर्जुन का दूध भी रेडी हो गया है, इसको हे फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। और अभी बच्चे हैं सुबह के 7:00 और अपना घर जो उनको दूध देने मोस्टली भी लोग भी चलते हैं सब लोग, तो 4 बन रही है। 5 अर्जुन के लिए मैंने पका दिया है खाना, तो दूध अर्जुन को दूध दे के आई, अर्जुन दूध पी लेगा, वो तुरंत दूध पीने के बाद तुरंत उठ जाता है। तो इस टाइम पे 7:15 तक उठ जाता है। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, इसमें मैं काली मिर्च डाली हूँ, साथ ही मैं पत्ता गोभी काट रही हूँ अर्जुन के पास्ता के लिए, पत्ता गोभी थोड़ा सा डाल दूँगी, थोड़ा सा उसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी और थोड़ा सा ऑनियन डाल दूँगी और सॉस वगैरह ये कॉर्न वगैरह डाल के जो भी मतलब वेजिटेबल मेरे पास होती है उसको थोड़ा बारीक काट के डालती हूँ क्योंकि अर्जुन बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं खाता है, बारीक काट दो तो वो सब्ज़ी सारी खा लेता है। तो मैं उसके पास्ते के लिए यहाँ पे काट लेती हूँ और फिर उसका पास्ता भी बना लूँगी। तो आज है 14 नवंबर और स्कूल में फंक्शन है, आज है बाल दिवस, जो सबको पता होगा। तो सारे बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रन डे मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से और अर्जुन की भी तरफ से। आप सबको चिल्ड्रन डे की बहुत 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 बधाई हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, ऐसे ग्रो करते रहें दिन ब दिन। और मैंने सब्जी वगैरह काट के पूरी प्रिपरेशन आटा मार के सब करके रख दिया। अब मैं जा रही हूँ सावर लेने। तो आजकल मैं सावर लेने से पहले एक क्लिंजिंग पैक मान लीजिए या फिर आप फेस वॉश मान लीजिए और कुछ भी मान लीजिए, बट मैं सुबह सुबह आजकल फेस वॉश नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ अर्ली मॉर्निंग और फिर स्कूल से आने के बाद और रात में तो मैं करती ही करती हूँ। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सा एक पैक शेयर कर रही हूँ जो कि सब कर सकते हैं, सब बना सकते हैं। तो आपको लेना है 1/2 टीस्पून बेसन एंड जितना इसमें घुल जाए, मतलब जितना घुल जाए उसको बोलते हैं ना कि पैक बन जाए एक नॉर्मल, उतना ही रोज़ वाटर लेना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा अपने फेस पे लगा लेना। ये रोज़ वाटर पतंजलि का है, मैं गुलाबरी का भी यूज़ करती हूँ, पतंजलि का यूज़ करती हूँ, बाकी और भी कोई ब्रांड जैसे कि कामा मतलब कोई भी मुझे मिल जाता मैं यूज़ कर लेती हूँ। और अगर मैं परचेस करती हूँ तो मैं पतंजलि का ही करती हूँ। तो मैं इसको घोल लेती हूँ, रेडी हो गया है क्योंकि इसको एकदम पतला, ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, आपको नेक पे और फेस पे दोनों पे लगा लेना है और फिर इसको सिंपली जब ड्राई हो जाए तब धो लेना और सावर ले लेना है। आपकी स्किन को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है और साथ में आपकी स्किन बहुत ही क्लियर हो जाए। आने के बाद आपको जब ड्राई हो जाएगा तब आपको रब करके ऐसे निकाल देना, जैसे आप फेस वॉश या बाकी उपटन या वो भी निकालते हैं फेस पैक, उसके बाद आप इसको निकाल देंगे। देन इसके बाद आप अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर आपका कोई सीरम लगा लेते, आप घर की सारी लाइट जला देते क्योंकि सारे लोग जग गए हैं। और हाँ, आप इसको रेगुलर डेली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप रोज़ वाटर और बेसन को डेली लगा सकते हैं अगर आपको स्किन को यूथ रखना है
तो अब मैं रेडी होती हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि लेट हो जाएगा, तो अब रेडी होने के बाद मिलूँगी। हाँ, तो स्कूल पहुँच गई हूँ और मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है तो कॉपीराइट वाले इशू सबको पता आ जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चे सारे कितने फैंसी ड्रेस पहन के, तो कितनी क्यूट लग रही है। मेरी क्लास के बच्चे हैं तलाक्षी एल के जी की हैं, सारे बच्चे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बच्चे सारे खूब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे डांस कर रहे हैं। बस मैं आपको अगर ये म्यूजिक के साथ सुना रही तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है। जिस म्यूजिक पर वो डांस है, जिस सॉन्ग पर डांस कर रहे थे, कॉपीराइट इशू जो यूट्यूब हमें दे देगा, इसलिए हमको वॉइस ओवर करना पड़ रही है। हमारे क्लास की मैम वगैरह हैं, ये राशि है, बाकी सब लोग बच्चों को बहुत ध्यान रखते हैं हम लोग यहाँ पे। अर्जुन को भी मैं समझा रही, तुम भी डांस कर लो बेटा, मैं उसको स्टेप्स बता रही थी ऐसे डांस करो। बच्चों को कुछ नहीं तो बच्चों कर, जो बच्चे डांस नहीं कर पाते उनका आप थोड़ा सा कह दीजिए आप लोग जंप करिए, तो सारे बच्चे जंप करने लगते और उनका वही डांस हो जाता है। तो मैंने किसी बच्चे को बोला, अर्जुन को जैसे जंप करने लगे, सारे बच्चों ने खूब अच्छे से डांस किया मजे के चिल्ड्रन डे के। और तो यहाँ पे मैं अपने बालों को बांध रही हूँ, मैं पोनीटेल बना रही हूँ क्योंकि बाल को ओपन में मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती। पार्टी की बात अलग होती है, लेकिन आप टीचर हैं या फिर आप कोई भी काम करती, मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप कुछ काम करती हैं तो आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि आप लंबे बालों के साथ बिल्कुल, क्योंकि वो बार बार आके आते हैं, वो बार बार आके आए तो दिक्कत होती है। इसलिए मैं अपने बालों को टाई कर रही हूँ जिससे कि दिक्कत नहीं हो। फेस पे आ रहे थे बार बार, आँखों पे जा रहे थे, बच्चों के किसी के जैसे बच्चों के ऊपर आ जाते तो अच्छा नहीं लगता ना, बच्चे भी अनकम्फर्टेबल हो जाते मैम आपके हेयर, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं मोस्टली स्कूल भी जाती तो मैं अपने बाल बिल्कुल बंद करके जाती हूँ, मैं कुछ भी ऐसे बाल ओपन करके नहीं जिससे कि किसी को दिक्कत हो। यहाँ पर मेरी टाई होगी थोड़ा सा स्टाइल करते हुए, और यहाँ पर देखिए सारे बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं। ये अभी यहाँ पर हम लोग ऐसे नॉर्मली बच्चों को इन्जॉय कराते, इसके बाद हम लोगों को जाके उन लोगों को करवाना था फ्रॉक डांस फ्रॉक रेस, वो म्यूजिकल चेयर वगैरह बच्चों ने किए, बहुत अच्छे से किया, मज़ा आया। बहुत चिल्ड्रन डे कर दूँगी कॉलेज को बाद दूँगी, तो मैं जा रही हूँ फ्राइडे कंपनी गार्डन जा रही हूँ घर, दीदी घर तो नहीं जाऊँगी, शायद मैं नमाज शरीफ उनको बुलाऊँगी और उसके बाद कंपनी गार्डन जाएंगे, टहलिंग घूमेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है आज। ऑटो देखती हूँ पहले, आज का दिन बहुत बिजी रहा है। छोटा सा चिल्ड्रन है ये, लेकिन ये सही है अगर हम दिसंबर तक आके यहाँ पे करें तो मेरा वेट कम हो सकता है।
होती मेरी। दीदी को बुलाओ, दीदी दीदी आ जाइए। आइए आन्या, बच्चों के साथ थोड़ा सा बच्चों को एंजॉय हो जाएगा। तो ये गुड्डा मेरे साथ सो रहा था, इसको सुला दिया था, ये लोग एंजॉय कर रहे थे और गुड्डा सो के उठ गया है हमारा। कितना क्यूट लगता है हमारा बच्चा, इतना क्यूट। बता बच्चों से मुझे इतना लगाव है, मैं जब भी आती हूँ दीदी घर या कुछ भी होता है सब, जब मैं इसको सबसे पहले जब भी मिलते हैं तो मैं इसको गोद में ले लेती हूँ, मैं इसके साथ एंजॉय करती हूँ। बाकी वो लोग तीनों लोग उधर कर रहे हैं एंजॉय, मासी बेटे और आनो दीदी, और हम दोनों यहाँ बातें कर रहे हैं। तुम लोगों की बातें हो रही हैं, ये देखो ये देखो। मैं तो आता ही रहता हूँ। गो 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 गो, हाँ इस पे ये वाला ग्रीन वाले पे रखो, हाँ ऐसे ही, वेरी गुड वेरी गुड। गो देखो दादा आपकी हेल्प कर रहा है ना। अब उसी गार्डन में है तो मैंने ये देखा था, मैं इसमें रिकॉर्ड करना भूल गई। एक कुछ ये है शायद, क्या बोला था, कुछ औषधि अब क्या है ये पता नहीं, मैं इस घर पे कंफर्म करके बताऊंगी नीरज को पूछ के। यहाँ पे ये वो लगाए गए घोंसले शाही आर्टिफिशियल बनाए हुए हैं, ये चिवर्ड ने कुछ नहीं बनको बनवाया गया हुआ है, ये हैंग किए गए कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो क्यों क्या होता है फिर, बाहर वाले भी झूले तो करने हैं, फिर टाइम खर्च हो जाएगा हमारा। वो नहीं, वो टूट गया है आज, पता सामने देख के चलो, सामने 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 देख के करो। अर्जुन को यार लेके आना कंपनी गार्डन, अपनी रिस्क पे लेना, बोले पैर में ये सुनता ही नहीं किसी। आइए धीमे धीमे आना, आ जाओ आ जाओ। अरे भागो नहीं, अरे यार तुम लोग तो वीडियो की बेइज्जती कर देते हो यार, तो आ जाओ आ जाओ। मैंने पकड़ लिया बच्चा, क्यों नाटक करते हो, ओए आ गए नीचे, चलो बस अब चलो जानवर। रुद्र, अरे रुद्र का वीडियो आ रहा था। अच्छा यहाँ से निकल रहे हैं, और मतलब यहाँ पे बच्चे झूले के नाम पे यहाँ पे सिर्फ मजा आ गया, लेकिन ठीक है टाइम पास हो जाता बच्चों के लिए। हाँ और यहाँ पे बहुत सारे मच्छर हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि मच्छर खाए बच्चे बीमार हो जाए ये तो घर में बर्दाश्त ही नहीं होगा किसी को। तो हम लोग निकल रहे हैं, अब हम लोग फिर गेट कट कुछ बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए। हाँ हाँ बलून की फुट, नहीं बेटा वहाँ नहीं जाएंगे, वो गंदा बहुत है बेटा, बहुत गंदा है। मैं इसको गोदी में बिठा लूं, क्यों मम्मी बलून फाइट कर रहा है, बलून फाइट कर रहा है। क्यों बलून फाइट कर रहे हो भाई, क्यों रुद्र जी बलून फाइट कर रहे हैं आप दादा के साथ। तो यहाँ हम लोग बैठे हैं, एक्सरसाइज और योगा होता है, हम लोग दीदी का वेट कर रहे हैं। दीदी गई थी ट्रीट गार्डन, मतलब ये उसके पीछे जस्ट पीछे एक ही दीवार है, वहाँ से बच्चों के लिए बेकरी से वो लेने, क्या बोलते हैं, पेस्ट्री लेने, बच्चों को पेस्ट्री खाना था तो खाने पीने का सामान लेने गई थी, बलून वगैरह। फ़ोटो के लिए अर्जुन ने बलून ले लिया था, तो और अर्जुन बोले थे मुझे और बलून चाहिए, तो ये बोलते हैं ना जो बना के देते हैं वो वाला बलून चाहिए था, तो वही दीदी लेने गई थी। तो दीदी आ गई थी, मैंने बोला देखो दीदी आ गई, मासी आ गई हैं। तो फिर ये वाला बलून रुद्र के लिए आया था, पर अर्जुन ने ये भी ले लिया था, और फिर एक और रुद्र के लिए लेना पड़ा था क्योंकि अर्जुन को दोनों चाहिए थे, तो मासी ने अर्जुन को दोनों दिला दिया। अर्जुन की मासी ने, मेरी मासी नहीं मेरी दीदी है। और अब हम लोग बस खाएंगे पियेंगे फिर घर के लिए निकले, क्योंकि यहाँ पे बहुत मच्छर है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि बच्चों को लेके कंपनी गार्डन बिल्कुल नहीं। हाँ चलो घास में बैठ गई आपने ऑटो, बाय बाय। हम लोग जा रहे हैं अपने घर, वो ऑटो से, और हम लोग अब अपने घर जा रहे हैं। और दीदी इधर, ये है दीदी, ये है दीदी।
पुलिस वाले ऑटो में। बाय दीदी। इतना टाइम हो गया रात, पता नहीं है, पर बहुत मजा आया, एंजॉय किया, खाया पिया, घर आ जा रहे हैं। अभी मैं 2-3 बैलून खरीदवा लिए हैं और इस ब्लॉग को मैं अब यहीं ख़त्म करती हूँ। टाटा, बाय बाय बाय। और अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, और हैप्पी चिल्ड्रन डे टू ऑल। दीदी।